नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शान फैशन डिजाइनर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत नेक डिजाइन बनाकर दिखाएंगे, और ये नेक डिजाइन बनाने के लिए हम कुछ पिंटेक्स का यूज करेंगे, और ये एक हमारी लेस है जो हमने मार्केट से ली हुई है। ये हमारा मैचिंग कपड़ा है जिस पर हम अपनी पिंटेक्स बनाएंगे, और ये हमने एक बुकरम का पीस लिया हुआ है जिस पर हम अपने बोट नेक की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बुकरम का साइज बता देते हैं। लंबाई हमने 5 इंच ली हुई है और चौड़ाई 11 इंच। इसे ऐसे बीच से फोल्ड किया हुआ है, और अब हमें बोट नेक का निशान लगा लेना है। तो सबसे पहले हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 9 इंच हमारी ब्रॉडनेस है 9 इंच। उसका आधा करने के बाद हम 4.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जिस प्रकार से हमने 4.5 इंच पर यहाँ निशान लगाया है, 4.5 पर ही हम यहाँ निशान लगा लेंगे, और इन सभी निशानों को आपस में ऐसे मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर एक राउंड शेप देंगे, बोट शेप। और ये हमने सेम तरीके से बाहर की साइड भी 1 इंच निशान लगा दिया है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, पहले अंदर की साइड से और उसके बाद बाहर की साइड से, और फिर इसके बाद हम इसे अपनी कुर्ती के कपड़े पर चिपका लेंगे। और ये हमने अपने नेक को कुर्ती के कपड़े पर चिपका दिया है। अब हम इस पर पिंटेक्स बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने कपड़े की लंबाई 18 इंच ली हुई है, और चौड़ाई ये हमारी 34 इंच है। इसके बाद हम कपड़े को सीधा ऐसे कर लेंगे, और ये हमारा सेंटर है। सेंटर से हम कुछ पिंटेक्स इधर बनाएंगे और कुछ पिंटेक्स इधर। बीच में हम ये पिंटेक्स नहीं डालेंगे, ये हमारा 1 इंच कपड़ा बीच में रह जाएगा जिस पर हम अपने बटन लगाएंगे। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर कुछ पिंटेक्स बना लेने हैं, सेंटर से 1/2 इंच इधर और 1/4 इंच हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने अपने कपड़े को इस प्रकार से मोड़ लिया है। अब हम सेंटर से 1/2 इंच इधर एक पैर की सिलाई लगा रहे हैं, और ये हमने एक पैर की सिलाई लगा ली है, और इसी प्रकार हम 1-1 इंच की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहां पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। ये हमने अपने सेंटर के एक साइड पिंटेक्स डाल ली हैं। अब हम अपनी दूसरी साइड पिंटेक्स डालेंगे, और इसी प्रकार से अपने सेंटर से 1/2 इंच की दूरी छोड़कर 1-1 इंच पर सभी पिंटेक्स डाल लेंगे। हमने अपनी सभी पिंटेक्स लगा ली हैं। अब हम प्रेस की सहायता से आधी पिंटेक्स इधर कर लेंगे और आधी पिंटेक्स इधर। हमने बीच सेंटर से 1/2 पिंटेक्स इधर और 1/2 पिंटेक्स इधर प्रेस की सहायता से जमा ली हैं, और हमारा बीच में 1 इंच का गैप आ गया है, और साथ ही हमने इसके नीचे एक पेपर फ्यूज भी चिपका ली है, और अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। और ये हमने अपनी कुर्ती को सीधी तरफ से फैला लिया है। अब हम इस पर अपने पैटर्न को अटैच करेंगे। ये हम सेंटर में इस प्रकार से रख लेंगे, और सबसे पहले हम बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, इससे हमारा पैटर्न इधर उधर नहीं होगा। ये हमने कच्ची सिलाई लगा ली है, और साथ ही बाहर से अंदर की साइड एक पैर कपड़े को फोल्ड कर दिया है प्रेस लगाकर। और ये देखिए, कच्चा हमने अपने पैटर्न से 1 इंच ऊपर की साइड लगाया है, जिससे हमारी लेंस इसके नीचे अच्छी तरीके से लग जाए। और अब हम अपनी लेंस को इस प्रकार इसके नीचे रख लेंगे,
और रखने के बाद इसके ऊपर कन्नी की सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिंगल बूट लगाया हुआ है, इससे हमारी लैस अच्छी तरीके से लग जाएगी। और अब हम कोने की साइड आकर इसे ऐसे हल्का सा कट लगाकर अपनी लेंस को मोड़ लेंगे। और ये हमने अपने पैटर्न के चारों तरफ लेंस लगा दी है। अब हम इसमें नॉर्मल तरीके से अपने नेक को अटैच करेंगे। ये हमने अपने नेक को कपड़े पर चिपका रखा है। अब हम चारों तरफ से आधा इंच कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग कर लेंगे और साथ ही इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद एक सेंटर में हम ऐसे कट लगा लेंगे और अब इसे अपनी कुर्ती के उल्टी साइड से ऐसे रखकर भी सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगाएंगे और उसके बाद बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगाकर इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। और अब हम अंदर की साइड से कपड़े की कटिंग कर देंगे क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़कर और साथ ही गोलाई में कट लगा लेंगे। ये सिलाई तक हमने कट लगा लिए हैं और अब हम अपने नेक को सीधी साइड पलट लेंगे और इसके ऊपर एक कन्नी की सिलाई लगाएंगे। और ये हमने अपने नेक में कन्नी की सिलाई लगाकर जमा लिया है। अब हम बाहर की साइड इसमें लेंस लगाएंगे और लेंस लगाने के बाद ये कच्ची सिलाई उखेड़ देंगे। और ये हमने अपनी नेक के नीचे लेंस लगा दी है और साथ ही एक लटकन और दो बटन भी लगा दिए हैं और इसी के साथ हमारा डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, इस डिजाइन को बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। और हमारा डिजाइन आपको कैसा लगा ये हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे और अपने चैनल सान फैशन डिजाइनर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।